वेलकम टू आवर चैनल ग्लोबल क्रिकेट। आज का जो मैच होगा CPL का T20 का 20वां मैच होगा, BR वर्सेस GAUW के बीच में होगा। अब इसमें हम लोग डायरेक्टली इस सब बात पर बोलते हैं कौन सा क्या खेल रहा था, क्या नहीं खेल रहा था, रीजन क्या है कि इनके पॉइंट से टेबल से ही पता चल जाता है कि कौन क्या खेल रहा था। BR देखिएगा 6 मैच में 1 जीते हैं, सिर्फ ओनली 1 जीते हैं, 5 आ रहे हैं, अपने टीम पोजिशन पर लास्ट पोजिशन पर हैं, लास्ट पावदान पर हैं। उसके बाद गुयाना का भी देखा जाएगा तो 6 में 3 जीत 3 हार के साथ 4th पोजीशन पर है, मतलब कि ये सेमीफाइनल खेलने के दौड़ में अभी बने हुए हैं और इनका तो चांसेस आप करीब करीब ख़त्म ही है, लेकिन फिर भी अभी बचा हुआ है। अगर 4 मैच जीत जाते हैं तो ये पहुंचने का चांसेस है। अब इनका देखिए इनके पोजीशन का ये पोजीशन में पहुंचने का रीज़न क्या है। सबसे पहले साई होप देखा जाए, साई होप विकेट कीपर के रूप में आते हैं, एक में चले हैं एक में नहीं चले हैं, मीन्स कि आपका मैक्सिमम पॉइंट 58 है, एक मैच में मैक्सिमम पॉइंट 58 है, बाकी सब आपका 29 20 22, इस कारण से साई होप एक विकेट कीपर हुए। एक खान विकेट कीपर खेलते हैं तो वो कुछ मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, 52 46 77 38। उसका देखा जाए जी फिलिप्स इनका जो बेहतरीन बैट्समैन है, इनको कभी ओपनिंग उतारते हैं, कभी फर्स्ट डाउन, कभी सेकंड डाउन, कभी थर्ड डाउन, इनका भी कभी भी पॉइंट मतलब कि सेटल नहीं हुआ कि कहाँ पर उनको उतरना है, कहाँ पर बैटिंग करना है, लेकिन फिर भी इन्होंने 3 मैच में अच्छा योगदान दिया, 3 मैच में नहीं योगदान दिया। उसका जे चार्ल्स, इनका सबसे ख़राब परफॉर्मेंस जे चार्ल्स है, क्योंकि किसी भी में 50 पॉइंट से ज़्यादा नहीं दिया है, किसी में 44, किसी में 32, किसी में 19, इस तरह से लाकर ड्रीम टीम का हिस्सा बने हैं, लेकिन इनको चाहिए था कि और ज़्यादा पॉइंट ला सकते थे। उसके बाद एस पटेल के एक ही मैच खेले हैं, 2 मैच खेले हैं, एक में 73 लाए एक में 2 लाए हैं। जेसन होल्डर इनके जो है कैप्टन जो है ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं, लेकिन ये भी अपना पोजीशन स्थिर नहीं कर पाए कि हमको ओपनिंग करना है, फर्स्ट डाउन करना है, सेकंड डाउन करना है, थर्ड डाउन करना है, किसी भी डाउन पे चले आते हैं। अरे कैप्टन है तो आप अपने सेकंड डाउन थर्ड डाउन एक जगह चुनिए और टीम को लेकर चलिए। और 1 2 3 3 मैच में सिर्फ ड्रीम टीम का हिस्सा बने हैं, 50 55 60 में इसके 100+ में दिए। एक इनके RRFR जब से आए हैं खेलने के लिए तब से इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, एक मैच में 128, एक में 60, एक में 28 का पूरा दिया था और ये बहुत अच्छे हैं। स्पिनर्स जो है चलते ही नहीं है, किसी भी मैच में चले, ऑलराउंडर हैं, टोटल पॉइंट मतलब 78 है, मतलब 5 मैच खेलिएगा 78 पॉइंट है, इसी क्या प्लेयर है समझ में नहीं आता है। मोहम्मद आमिर को लास्ट के 2 मैच में नहीं खिलाया गया, लेकिन उनको 4 मैच में 2 मैच ड्रीम टीम का हिस्सा थे, इसलिए आमिर को थोड़ा सा डाउटफुल प्लेयर रखा जाए, आमिर को रखा जा सकता है अपनी टीम में। ओ थॉमस देखा जाएगा तो स्टार्टिंग के 2 मैच में चले हैं, उसके बाद फिर 4 मैच में एकदम बहुत ही ज़्यादा ख़राब प्रदर्शन है, तो ओ थॉमस भी आपके टीम से करीब करीब बाहर है। नीलिया को खिलाया गया, 2 ही मैच खिलाया गया, दोनों में वो ड्रीम टीम का हिस्सा बने, उसके पहले एडन वास, जे बिशप, जे लेनॉट, मतलब इस तरह से तीन प्रत्येक बार बॉलर मतलब कभी सेटल ही नहीं हो पाए, ये जो टीम है पूरा सेटल नहीं हो पाया, जिसके कारण से ये अपना पोजीशन जो है 6th नंबर पर बरकरार है। उसी तरह गुयाना का देखा जाए तो एक चीज़ है, गुयाना का क्या है कि ये टोटल 11 प्लेयर ही है और यही 11 प्लेयर खेलते हैं, सिर्फ एक बॉलर को छोड़ते हैं, जैसे जी मोटे खेलते हैं, कभी ऑलराउंडर खेलते हैं, कभी उनके जगह पर बैट्समैन खेलते हैं, कभी उनके जगह पर बॉलर खेलते हैं, सिर्फ इस प्लेयर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे प्लेयर सेमी प्लेयर हैं, उसी पर भरोसा करते हैं, जिसमें निकोलस पुरन जो है मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं, करीब करीब निचले पायदान पर अभी तक अपने टीम को लीड किया है, 1 2 3 4 जो 4 बार जो है ड्रीम टीम का हिस्सा बने और अच्छे खासे पॉइंट से बने, 50 70 71। सिमरन हेटमायर जब भी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड बैटिंग करने के लिए आते हैं अच्छा खेलते हैं, सिर्फ इनके एक शोएब मलिक जो है नहीं चले हैं, शोएब मलिक को देखा जाएगा तो ये टोटल 56 पॉइंट है, मीन शोएब मलिक इनका सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं चले हैं, बाकी करीब करीब ब्रैंडन किंग को भी देखा जाएगा तो नहीं चले हैं, 2 बल्लेबाज ओपनिंग करना है, तो सिर्फ एक मैच में पिछले मैच में जो 53 रनों का योगदान दिया, 53 पॉइंट का योगदान दिया था, तो मेरे ख्याल से ये दोनों आपके प्लेयर नहीं चलेंगे, तो दोनों प्लेयर को पहले से हटा दिया जाएगा। फिर सी हेमराज को देखा जाएगा तो ये बॉलिंग भी कर लेते हैं, किसी किसी मैच में विकेट भी ले लेते हैं, किसी किसी मैच में एक में तो सेंचुरी मारा था, 155 पॉइंट लाया था, अकेले दम पर पूरा मैच ही जीता दिया था, तो सी हेमराज को भी आप रख सकते हैं। फिर मोहम्मद हफीज़ ऑलराउंडर के ऐसे मोहम्मद हफीज़ हैं, इनको कभी भी मौका मिला है, स्टार्टिंग के 4 मैच में देखिएगा तो आपको देखिएगा बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट दिए हैं, मीन्स की बहुत ही बेस्ट है ऑलराउंडर के रूप में। ओ स्मिथ को देखा जाएगा तो ये भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, इनका भी पॉइंट देखिएगा तो बहुत अच्छा पॉइंट दिए हैं। इस तरह से देखा जाएगा तो गुयाना जो है 4th पोजीशन पर रीजन आने का है, मोहम्मद हफीज़, हेटमायर, ओ स्मिथ और निकोलस पुरन मेनली रूप से इन्हीं का योगदान है, बाकी बॉलिंग में भी देखा जाएगा तो इमरान ताहिर भी देखिएगा तो 4 मैचों में वो ड्रीम टीम का हिस्सा बने हैं, उसके बाद रोमन सेफर्ड भी 3 मैच खेले हैं तो 3ों में वो ड्रीम टीम का हिस्सा थे, और देखा जाए नबील उल हक उतना पॉइंट नहीं दिए हैं लेकिन करीब करीब अपनी टीम को सहयोग जरूर देते हैं। तो इस तरह देखा जाएगा तो ये पूरा जो प्लेइंग 11 है इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहता और यही प्लेइंग 11 हमेशा खिलाते हैं, जिसके कारण अभी तक वो टीम में बरकरार है 4th पोजीशन पर और इनका ये हाल है। अब इसमें हम लोग जो है करते हैं कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा और हमारी टीम में कौन रहेगा, जिससे विकेट कीपर के रूप
में आ जाते हैं। फिर हमारे विकेट कीपर के रूप में एक विकेट कीपर ये साई हो एक खान, तो आप लगातार तीन विकेट कीपर को नहीं खिला सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा है तो आप खिला भी सकते हैं तीन विकेट कीपर, लेकिन मेरे ख्याल से आप निकोलस पूरन को रखिएगा, एक निकोलस पूरन पहला, और दूसरा प्लेयर जो है एक खान भी अच्छे करते हैं। साई होप मेरे ख्याल से थोड़ा सा ओपनिंग करने आता है लेकिन विकेट गिरने का चांसेस ज़्यादा है। फिर उसके बाद फिर बैटिंग का देख लिया जाए तो बैटिंग में देखा जाएगा तो आपके दो प्लेयर पहले से हट गए हैं, सिमरन हेटमायर हो गए, तो तीसरे नंबर के प्लेयर सिमरन हेटमायर हो गए। उसके बाद फिर देखा जाएगा तो बैट्समैन में जो है इधर से तीन खेलते हैं, मीन्स कि एस पटेल एक में 73 पॉइंट दिए, दो पॉइंट दिए हैं जोनाथन साल्स, मीन्स कि आप जी फिलिप्स को आप रख सकते हैं अगर वो बीच में अच्छा करते हैं तो जी फिलिप्स को आप चौथे नंबर पर रख लीजिए। तीन हमको बैट्समैन खिलाना है तो एक बैट्समैन ही सिमरन हेटमायर हो गए और एक सिमरन सी हेमराज हो गए, पांचवें नंबर के प्लेयर सी हेमराज हो गए, तो दो बैट्समैन हो गए, एक इधर से जी फिलिप्स हो गए जी फिलिप्स। उसके बाद ये जे चार्ल्स या आप एस पटेल, इस दोनों में से एक प्लेयर को रख लीजिएगा, किसी मैच में एक को रखिएगा किसी मैच में नहीं रखिएगा, तो छठे नंबर के प्लेयर ये हो गए आपके। फिर ऑलराउंडर देखा जाएगा तो ऑलराउंडर के रूप में आपको देखा जाएगा तो दो ऑलराउंडर इधर से हैं, मोहम्मद हफीज और ओ स्मिथ, दोनों बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, मतलब मीन्स कि एक नंबर के बैटिंग कर रहे हैं दोनों, दोनों अच्छा बॉलिंग भी कर रहे हैं, मीन्स कि आपके छठे सातवें नंबर के प्लेयर और आठवें नंबर के प्लेयर आपके हो गए। अंदाज लगा देखा जाएगा तो आपका जो टीम है आठ प्लेयर हो गए। उसके बाद देखा जाएगा जेसन होल्डर आर रेफर, मेरे ख्याल से जेसन होल्डर जो है नीचे बैटिंग करने आते हैं उतना अच्छा ज़्यादा पॉइंट नहीं देते हैं, विकेट भी कम लेते हैं, तो आप आर रेफर को आप डाउटफुल प्लेयर में रख सकते हैं, मतलब कि नौवा प्लेयर आपके आर रेफर हो गए, मीन्स कि नौ प्लेयर हो गए। अब हमको तीन बॉलर को रखना है, ऑलराउंडर में और किसी को नहीं रख सकते हैं, अब हम लोग को बॉलर को रखना है, तो बॉलर में देखेंगे तो ओ थॉमस तौर पर ऑटोमेटिक आपके हट गए, तो आपके दसवां जो प्लेयर हो जाएंगे एन यंग हो जाएंगे दसवां प्लेयर, और एक ग्यारहवां प्लेयर हो जाएंगे इमरान ताहिर आपको प्रत्येक मैच में विकेट लेते हैं, रोमन सेफर्ट बारहवां, और एक आपको मोहम्मद आमिर तेरहवां, मीन्स कि हम लोग का ये 13 प्लेयर जो बना है इस 13 प्लेयर से ही हम लोग को ड्रीम टीम बनाना है। अभी इस तरह से देखा जाएगा तो हम लोग का जो 13 सदस्य टीम बनेगा, 13 सदस्य टीम में से हम लोग को जो है इस तरह का बैट्समैन विकेट कीपर बॉलर विकेट कीपर इस तरह से लेकर हम लोग को टीम बनाना है। तो जैसे देखा जाए निकोलस पूरन और एक खान जो विकेट कीपर हुआ या साई हो, एक में दोनों टीम को लेना है, दोनों बल्लेबाज को रखना है, एक टीम में एक को रखना है, एक में तीनों को रखना है, ठीक है। इस तरह से देखा जाएगा जी फिलिप्स को किसी किसी में रखना है, किसी किसी में नहीं रखना है, जी फिलिप्स को कोई जरूरी नहीं है, गारंटेड है कि आप रख सकते हैं, क्योंकि जी फिलिप्स उतना ज़्यादा पॉइंट नहीं दिए, लेकिन अगर ओपनिंग करने आते हैं तो जी फिलिप्स को पक्का रखिएगा। आप जे चार्ल्स या एस पटेल इसमें से भी एक किसी को रखिएगा, इसमें दोनों किसी को नहीं रखना है, कभी भी दोनों को नहीं रखिएगा, कहीं जिस जे चार्ल्स रखें किसी में एस पटेल रख सकते हैं। आर रेफर को ज़्यादा इसमें आप तवज्जो दीजिएगा तो आपका हो गया विकेट कीपर में। फिर देखते हैं बॉलर में नील यंग रहेंगे या मोहम्मद आमिर और नवीन उल हक, आपके एक आर सेफर्ट रहेंगे, इमरान ताहिर रहेंगे, मोहम्मद हफीज, ओ स्मिथ, ये आपके परमानेंट प्लेयर हो जाएंगे, परमानेंट प्लेयर ये हो जाएंगे, मोहम्मद हफीज हो जाएंगे, ओ स्मिथ हो जाएंगे, सी हेमराज हो जाएंगे, और ये होंगे एक दो तीन चार पाँच प्लेयर आपके परमानेंट है, एक छठे प्लेयर आपके परमानेंट है, छः प्लेयर आपके परमानेंट है, इसके बाद आप सातवें प्लेयर ये भी आपके परमानेंट है, मीन सात प्लेयर आपके ये परमानेंट है, और आठ प्लेयर आपके परमानेंट हो गए, बाकी ये सब को चेंज किया जा सकता है। आठ प्लेयर परमानेंट होने के बाद इसमें किसी किसी को चेंज करके कैप्टन वाइस कैप्टन में आपको हमेशा आपको कैप्टन एम हफीज़ या ओ स्मिथ या सी हेमराज फिर आर रेफर विलियम, इसमें से इतना को ही कैप्टन वाइस कैप्टन आपको बनाना है, पलट के किसी को कैप्टन किसी को वाइस कैप्टन इस तरह से मिला जुला के आपको देखा जाएगा तो ये टीम करीब करीब सात से आठ, आठ टीम से दस टीम बनेंगे, आठ से दस टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन उलट करके आप जो भी टीम बनाना चाहते हैं बना सकते हैं और ग्रैंड लीग जीत सकते हैं।